देवी और सज्जनों, जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो अपडेट दिखाने वाले हैं, उसे देखने के बाद वाकई में आप भी कहिएगा खोपड़ा तोड़ने वाली बात तो है भाई। कोई इतना बड़ा सत्य को कोई कैसे झूठा बना सकता है, वो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अब देखिए, जो भी भोजपुरी सुनता होगा, जो भी जानता होगा, जो भी भोजपुरी के अपडेट को देखता होगा भैया, उसे ये तो पता होगा कि भाई साहब, अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्षरा सिंह को अभी तक कोई टिकाए रखा है तो वो कौन है? पवन सिंह है, पावर स्टार पवन सिंह है। अरे झूठ बोलने वाली बात है ही नहीं, वो भी हम आपको साबित करके दिखाते हैं कि भाई साहब, पावर स्टार पवन सिंह अक्षरा सिंह के साथ न होते हुए भी अक्षरा सिंह को अभी भी इंडस्ट्री में टिकाए हुए हैं। बात तो सही है। उसके लिए चलना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे, और पीछे चलने के बाद जो सच्चाई का तह है वहां तक पहुंचेंगे और फिर हम आपको बताएंगे। अच्छा, देखिए, जब पवन सिंह के साथ अक्षरा सिंह का फिल्म हिट पे हिट होते जा रहा था, उस समय पवन सिंह ने अक्षरा सिंह को गाना गाने के लिए सिखाया था। बात तो सही है। उसके बाद से अक्षरा सिंह के कई गाने आए और उसी दम पे, उसी बदौलत आज अक्षरा सिंह इस इंडस्ट्री में टिकी हुई हैं, बनी हुई हैं। अगर कहें तो सारे स्टार के साथ छूटने के बाद भी अक्षरा सिंह आज भी इंडस्ट्री में भैया अपने पैर को है जमा करके रखे हुए हैं। कहें तो वो है सिंगिंग के दम पे, और वो कौन दिया है? वो दिए हैं अपने पावर स्टार पवन सिंह। ये तो पूरा बिहार यूपी जानता है कि पवन सिंह का देन है कि आज अक्षरा सिंह इंडस्ट्री में बनी हुई हैं। लेकिन 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 पास आओ भाई साहब, इस सत्य को भी कोई झूठा कर सकता है क्या? चलो हम दिखाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे मैडम, थोड़ा बताइएगा कि वो जो सिंगिंग वाला क्रेडिट है वो आप किसे देना चाहती है? मेरे दर्शकों को। चलिए, जो क्रेडिट दे रहे हैं अपने दर्शकों को, वो हम शुरू करते हैं इनके तह तक जा करके। भैया, इनका जो जन्म हुआ है सिंगिंग लाइन में, वो कहां से हुआ है? देखिए, इस पे हम कुछ नहीं कहेंगे, कहेंगे हमारे नील कमल भैया। नील कमल भैया, थोड़ा कुछ बता दीजिए। अच्छा लगे रहे तुमको गावे के नालू, पवन भैया हो। बस कीजिए। के चपाद दे हाई दे लसूर। अरे नीलकमल भैया, मतलब थोड़ा सा बोले तो आप पूरा एकदम धड़धड़ा ही देते हैं, बस इतना ही कीजिए। अब दर्शकों को समझ में आ गया होगा कि भैया, जो इनका जन्म कर्म जो है भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में, वो किसका देन है? और भले आज इसको पचा जाए, खा जाए, निगल जाए, उगल जाए, वो तो इनका देन है, लेकिन पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री जानती है, पूरा एल्बम इंडस्ट्री जानता है कि अगर आज इनको कोई दिया है भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में जन्म, वो है पावर स्टार पवन सिंह। दोस्तों, इस वीडियो में कितनी सच्चाई लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और मिलते हैं फिर एक बड़ी अपडेट के साथ, ऐसे ही उलझे मुलझे सवालों के साथ फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए जय भोजपुरी।